हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। तो आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सारे पेमेंट्स बैंक के बारे में और उनकी सर्विसेज के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो कि आजकल पेमेंट बैंक्स में अपना अकाउंट खोल रहे हैं, पर उनको ये सब कोई जानकारी नहीं होती है कि पेमेंट्स बैंक किस लिए होते हैं और इसका हम है जो कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, या फिर इसके बारे में वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते पर अपना अकाउंट है जो कि इन बैंकों में खुलवा लेते हैं। तो आज की ये वीडियो पूरी है जो कि इसी के बारे में होने वाली है। पेमेंट्स बैंक जो भी इंडिया में चल रहे हैं उन सब की आपको डिटेल्स दूंगा और उनकी बैंक अकाउंट की है जो कि आप खोलते हैं उनकी लिमिटेशन बताऊंगा, साथ ही साथ है जो कि और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दीजिए और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, पेमेंट बैंक्स की बात करें तो इंडिया में अभी 2023 में मिलनी है जो कि 6 पेमेंट्स बैंक है जो कि चल रहे हैं, जो कि है पहला एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा है पेटीएम पेमेंट बैंक, तीसरा है फिनो पेमेंट बैंक और चौथा है आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और जो कि पांचवा आपका एनएसडीएल पेमेंट बैंक है और जो लास्ट 6 नंबर पे वो है जियो पेमेंट्स बैंक। फिलहाल है जो कि ये 6 है जो कि मेन पेमेंट्स बैंक है जो कि इंडिया में अभी रन कर रहे हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि अकाउंट ओपनिंग से लेकर है जो कि मनी ट्रांसफर वगैरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले तो है जो कि इनके आप हेडक्वार्टर जहाँ पर है उनकी लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर एयरटेल का है जो कि न्यू दिल्ली में है, पेटीएम का नोएडा में है और अपना फिनो पेमेंट बैंक का है जो कि मुंबई में है महाराष्ट्र, और आईपीपीबी का है यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का न्यू दिल्ली, और एनएसडीएल की मुंबई, और जियो का भी मुंबई में है। तो मेनली है जो कि मुंबई और दिल्ली में है और जो कि अपना पेटीएम का है वो नोएडा में है। तो इन सब के हेडक्वार्टर्स दोस्तों यहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं इन पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज की। ये सारे पेमेंट्स बैंक है जो कि आपको क्या सर्विस देते हैं, क्या आप इनसे ले सकते हो और क्या आप नहीं ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है, जो आप ये पेमेंट बैंक में जो कि अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आप जो कि सर्विसेज तो इसमें ले सकते हैं, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट रेमेडी सर्विस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सर्विसेज है जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो जो ये पेमेंट्स बैंक होते हैं जो कि इन सब की जो कि मैक्सिमम जो आप लिमिट रख सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की आप रख सकते हैं, वो भी विदाउट केवाईसी। इसमें आप केवाईसी नहीं कर सकते हैं तो 1 साल तक आपका अकाउंट है जो कि ऑपरेटिव रहेगा और आप जो कि 1 लाख तक के बैलेंस रख सकते हैं। और यहीं कुछ पेमेंट्स बैंक की बात करें तो अगर आप फुल केवाईसी कर लेते हो अपनी तो आप जो कि 2 लाख तक की आपकी लिमिट हो जाती है और इससे ज़्यादा कि आप जो कि मनी ट्रांसफ़र वगैरह या फिर किसी भी तरीके का बैंक में फंड नहीं रख सकते हैं 2 लाख से ज़्यादा का। तो यहीं पे दिक्कत आ जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका तो मंथली होता है 20-22 हज़ार, 25 हज़ार की ट्रांजैक्शन या फिर लेन देन, तो उनका साल में तो 2 लाख से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर उन लोगों को दिक्कत आ जाएगी क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2 लाख रुपये तक की है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि ये जो बैंक्स होते हैं ये आपको डेबिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, क्रेडिट कार्ड वगैरह देते हैं या नहीं देते। तो आपको बता दूं जो पेमेंट्स बैंक है ये आपको जो कि एटीएम की सर्विस दे देते हैं, पर इन बैंक पेमेंट बैंक द्वारा जो कि आपको किसी भी प्रकार की क्रेडिट कार्ड की सर्विस है जो कि देखने को नहीं मिलती है इसमें। मतलब आपको ओनली एटीएम ही देखने को मिलेगा, वो भी कोई कोई पेमेंट बैंक ही देता है, सारे नहीं देते इन सभी में से, तो वो सब आप देख लेना। और जो कि बात करें तो आपको है जो कि इन पेमेंट्स बैंक में अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपको इन पेमेंट्स बैंक के द्वारा है जो कि किसी भी प्रकार के लोन वगैरह की सर्विस नहीं दी जाएगी क्योंकि इन लोगों के पास है जो कि लोन प्रोवाइड करने का अभी कोई भी आरबीआई की तरफ से इनको कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, तो ये लोग है जो कि आपको लोन वगैरह भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और एक जो कि आप मेन पॉइंट रह जाता है, अगर आपकी उम्र 18 साल से प्लस नहीं है तो आप इन पेमेंट बैंक में है जो कि अपना अकाउंट है जो कि ओपन नहीं कर सकते हैं। इस पेमेंट्स बैंक में है जो कि आपको अकाउंट ओपन करने के लिए 18 साल से ऊपर की आपकी उम्र होनी चाहिए, जब भी आप इसमें है जो कि अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मेनली है जो कि इसमें अकाउंट ओपनिंग आपकी ऑनलाइन हो जाती है, वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप अपनी फुल केवाईसी कर सकते हैं। और बात करते हैं इसमें आप जो कि पैसे वगैरह जमा करवा सकते हैं नहीं करवा सकते, तो आप इसमें पैसे वगैरह तो जमा करवा सकते हो तो पर बहुत ही लिमिटेड जगहों पे है जो कि इसकी ब्रांच है जो कि मिनी ब्रांच वगैरह आपको मिल जाती है। बाकी आप अदर बैंक्स के मुकाबले जैसे कि आप SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एक्सिस वगैरह की है जो कि आप हर क्षेत्र में जो कि ब्रांच वगैरह देख लेते हैं जहाँ से है जो कि आप सर्विसेज ले सकते हैं, कैश जमा कर सकते हैं, कैश निकाल के ला सकते हैं, चेक वगैरह क्लियर करवा सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज है जो कि आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, पर पेमेंट्स बैंक है जो कि ये सारी सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करता है। और पेमेंट्स बैंक में है जो कि फ्रेंड्स आप है जो कि अपना NRI अकाउंट भी नहीं खोल सकते हैं।
जो कि आपको अदर बैंक से जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करती है, पर पेमेंट्स बैंक में है जो कि आपका इंडिया का सिटीजन होना ही जरूरी है, जब भी आप अपना अकाउंट है जो कि ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मेनली है जो कि मैंने आपको जानकारी दे दी है, अगर आपको इसके बारे में डीप में जानना हो तो आप जो कि है इंटरनेट पे जाके देख सकते हो। बाकी मैंने जो ऊपर ऊपर के लोगों की ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया कि जो कि एक लोगों को अपने अकाउंट में चाहिए होता है, जैसे कि लिमिट नहीं होनी चाहिए कोई अमाउंट रखने की या फिर वगैरह जो भी सर्विसेज मिलनी चाहिए उन सब के बारे में बता दिया है मैंने। और बाकी तो पेमेंट्स बैंक एकदम सेफ होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर में ये लोग काम करते हैं, आरबीआई के अंडर में, तो पैसे आपके सेफ रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसमें बस कुछ लिमिटेशंस होती है, ये दिक्कत वाली बात है। तो अगर आप पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी और जानकारी भी पता लग गई होगी कि आपके लिए अकाउंट है जो कि सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।